क्या जय शाह बन सकते हैं आईसीसी के नए चेयरमैन? नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू ऑफ न्यूज, मैं हूं आपके साथ अंशिता। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष यानी कि न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन सकते हैं। दरअसल जय शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी चेयरमैन होंगे, उनकी उम्र अभी सिर्फ 35 वर्ष की है। इस तरह वो श्रीनिवास और शशांक मनोहर जैसे भारतीयों की सूची में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने पहले आईसीसी का नेतृत्व किया था। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया, जिससे बीसीसीआई के सचिव जय शाह के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अगर ग्रेग चाहते तो आगे भी चेयरमैन बने रह सकते थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वह आगे इस जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे। ग्रेग बार्कले ने आईसीसी चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का सोच लिया है। उनका कार्यकाल नवंबर में खत्म हो जाएगा। इस पद के लिए अब सबसे बड़े दावेदार जय शाह हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी चेयरमैन पद के लिए चुनाव 27 अगस्त तक लड़ सकते हैं, जो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बता दें कि आईसीसी के नियमों के अनुसार चेयरमैन के चुनाव में 16 वोट होते हैं। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं तो फिर बहुमत के लिए 9 वोट चाहिए होते हैं। आईसीसी ने कहा, मौजूदा निदेशकों को अब 27 अगस्त 2024 तक अगले अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रस्तुत करना होगा, और अगर एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो चुनाव होगा और नए चेयरमैन का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। ये चर्चा चरम पर है कि कौन ग्रेग बार्कले के बाद आईसीसी का नया चेयरमैन होगा। आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए बीसीसीआई के सचिव जय शाह का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। जय शाह अगर आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। जय शाह के आईसीसी के नए अध्यक्ष बनने की पुष्टि से पहले आइए जानते हैं कौन से भारतीय आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर जनमोहन डालमिया का नाम है, जो साल 1997 से 2000 के बीच बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। 1997 में पहले डालमिया एशियाई आईसीसी अध्यक्ष चुने गए थे। डालमिया अब भले ही दुनिया में नहीं है, 21 सितंबर 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने में उनका अहम योगदान रहा। दूसरे नंबर पर भारतीय राज्य में शरद पवार का नाम है, जो साल 2010 से 2012 तक आईसीसी के अध्यक्ष रहे। आईसीसी अध्यक्ष पद पर रहने वाले शरद पवार भारत के दूसरे शख्स रहे। इसके अलावा साल 2005 से लेकर साल 2008 तक शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे थे। तीसरे नंबर पर उद्योगपति एन श्रीनिवास का नाम है, जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सह मालिक हैं। एन श्रीनिवास भी आईसीसी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। 2014 से 2015 तक उन्होंने आईसीसी के प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। चौथे नंबर पर शशांक मनोहर का नाम है, जो भी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। 2015 से लेकर 2020 तक वे आईसीसी के अध्यक्ष रहे। शाह को आईसीसी के बोर्ड में सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माना जाता है। प्रेजेंट में बीसीसीआई सचिव के रूप में शाह का एक साल का कार्यकाल बचा है, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2025 में अनिवार्य ब्रेक यानी कि कूलिंग ऑफ अवधि लेना होगा। यदि शाह अपने सचिव पद का एक वर्ष शेष रहते हुए आईसीसी में जाने का डिसीजन लेते हैं तो उनके पास बीसीसीआई में 4 साल शेष रह जाएंगे। वह 35 साल की एज में आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के चेयरमैन हो सकते हैं। सचिव जय शाह आईसीसी के प्रमुख का पद संभालेंगे या नहीं, 27 अगस्त तक साफ हो जाएगा। ऐसे में इंतजार कीजिए रिजल्ट्स का।